इनफैक्ट आप देखिए ना, ये जब आतिकिया खंडाला किया था तो वी वर डूइंग प्रॉब्ली दी होम प्रोडक्शंस ऑफ एवरी हीरो। सलमान की होम प्रोडक्शन कर रहे थे हम, प्यार किया तो डरना क्या, उनकी फर्स्ट होम प्रोडक्शन। सनी देओल की हम कर रहे थे दिल लगी, और वास्तव वाज ऑलमोस्ट संजय दत्त प्रोडक्शन, और बहुत सारी पिक्चरें कर रही थी। वास्तव नहीं सॉरी, खूबसूरत पिक्चर थी जिसमें संजय ने गाया था। तो ये सब बहुत कीन हो गए कि यार आमिर को इतना अच्छा गाना गाया, हमको भी गवा, उसको क्यों गवाया, हमको गवाओ। तो इनफैक्ट सलमान वॉज वेरी कीन कि मैं गाऊँ। एंड आई रिमेम्बर गोइंग विथ द शूट विथ सलमान टू स्विट्जरलैंड। हम लोगों ने बोला हमको भी घुमा भाई, हम यहाँ बैठे बैठे म्यूजिक करते हैं, हम घूमेंगे स्विट्जरलैंड में, हमको वहाँ म्यूजिक बनाना। तो ही टुक मी एंड जतिन फॉर देयर। इनफैक्ट वी मेड दैट सॉन्ग ओ ओ जाने जाना, एंड सलमान ट्राइड टू सिंग दैट, मगर इतना उसमें वॉइस करेक्शन वगैरह उस टाइम एडवांस नहीं हुआ था इतना, तो वो हो नहीं पाया। बट देन आई सजेस्टेड व्हाई डोंट यू से अ डायलॉग इन द बिगनिंग। तो इफ यू रिमेंबर द सॉन्ग, वो सलमान ने डायलॉग बोला है दोस्तों वो, और जो भी बोलता है। तो वहीं कमाल खान को भी मैं मिला था फर्स्ट टाइम, जो इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई बाद में। और फिर स्विट्जरलैंड में कमाल खान भी आए हुए थे, सलमान के दोस्त थे, तो हम लोग साथ वात में घूमते थे और वो गाना प्लान करते थे कि ये गाना करेंगे। और सलमान वॉज वेरी कीन कि अगर मेरे से नहीं हो तो कमाल शुड सिंग। तो फाइनली वी वेंट ऑन टू मेक कमाल सिंग द सॉन्ग, एंड इट वेंट ऑन टू बी अ ह्यूज ह्यूज हिट। और फिर वास्तव खूबसूरत में संजय दत्त गाना चाहते थे, वो भी गाना ए शिवानी बहुत अच्छा, थोड़ा बोलते बोलते हमने बना दिया, वो टेक्निक तो आती है हम लोगों को, ए शिवानी। तो एंड संजय दत्त हैज़ अ वेरी गुड वॉइस, बहुत हैवी आवाज़ है और बहुत अच्छा ड्रम वम बजाते हैं, बहुत म्यूजिक का शौक है। तो उनको गवाया, फिर गोविंदा को गवाया, सलमान को डायलॉग्स बुलवाए गाने में, शाहरुख को भी हमने फिर भी दिल हिंदुस्तानी में डायलॉग्स और थोड़ा गवाया भी है। तो सारे ही हीरो को कहीं ना कहीं हमने हमारी रिकॉर्डिंग्स में गवाया है या बुलाया है। देखिए जो सॉन्ग है वो आइदर वे इट कैन बी मेड, यू कैन वर्क ऑन द लिरिक्स फर्स्ट एंड देन कंपोज ओवर इट, और यू कंपोज अ ट्यून एंड मेक अ लिरिक राइटर ऑन राइट ऑन इट। बट इन माई केस आई हैव मोस्टली कंपोज द सॉन्ग फर्स्ट एंड देन द राइटर्स हैव रिटन। और फॉर्चुनेट बात तो ये रही है कि जो हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट राइटर्स थे उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। इनफैक्ट मजू सुल्तानपुरी साहब का तो बहुत ही बड़ा हाथ है हमारे करियर में। पहली जो पिक्चर थी बिन तेरे सनम, जो गाना हिट हुआ, वो मजू साहब ने लिखा था, एंड ही वेंट ऑन टू राइट मेनी फिल्म्स फॉर अस एंड विच वेंट ऑन, मतलब हिस्टोरिक म्यूजिक की लिरिक्स रही हैं। खामोशी उन्होंने लिखी थी, पहला नशा उन्होंने लिखा है जो जीता वही सिकंदर का, कभी हाँ कभी ना पिक्चर उन्होंने लिखी थी, बहुत सारी पिक्चरें उनके साथ काम किया था हमने और बहुत इन्जॉय करते थे, क्योंकि मजू साहब वॉज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग राइटर्स वी हैव एवर हैड। दो तीन ही राइटर हैं जो बहुत ही हम मानते हैं, एक तो शैलेंद्र साहब हैं, कैफी आज़मी साहब हैं, मजू सुल्तानपुरी जी हैं और साहिर साहब, ये सब एक ही लेवल के हैं आसपास। तो और मजू साहब भी सिर्फ उस वक्त थे, वो बहुत बुज़ुर्ग हो चुके थे, 75 ईयर्स के थे जब हमारे साथ शुरू किया था उन्होंने, तो बहुत सीखने को मिला उनसे। और फिर आनंद बख्शी साहब के साथ बहुत ही काम किया हमने, दिलवाले दुल्हनिया से लेके कई पिक्चरें की है बड़ी बड़ी, उनके साथ भी बहुत सीखने को मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो राइटिंग का इतना इम्पोर्टेंट और फंक्शन होता है और इतना इम्पोर्टेंस है म्यूज़िक में, बिकॉज राइटिंग वर्ड्स ही हैं जो आपको धुन भी याद दिलाते हैं। वर्ड्स बगैर आपको गाना कैसे याद रहेगा, नहीं रहेगा, कोई धुन तो नहीं गाता, मगर लिखाई उसकी ऐसी होती है कि गाना हमेबल बन जाता है, और गाना वो होता है जो हर आदमी गा सके, वो गाना जो बहुत अच्छा सुनाई दे रहा और गा नहीं पा रहे हैं आप उसको, तो वो थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा लगेगा, फिर आप उसको भूल जाएंगे, क्योंकि यू कैन नॉट इन्जॉय द सॉन्ग, बिकॉज नो मैटर हाउ यू सिंग यू वॉन्ट टू सिंग, एंड वेन यू वॉन्ट टू सिंग यू हैव टू
know the words of the song to sing. So they are all very aligned, and it's a very logical factor to it if you think on it. तो बहुत ही मज़ा आया सबके साथ. इंदिवर जी के साथ काम किया हमने, गुलजार साहब के साथ किया है, जावेद अख्तर साहब के साथ तो काफ़ी पिक्चरें की हैं, शाहरुख की सारी पिक्चरें काफ़ी जावेद अख्तर जी ने लिखी हैं. तो बहुत ही फॉर्चुनेट रहे कि इतने अच्छे राइटर्स के साथ, और सब राइटर्स बहुत प्यार करते थे, बहुत इन्जॉय करते थे गाने में. देखिए जब काम बहुत अच्छा होता है लेवल का, एवरीबडी इज़ हैप्पी. द प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स प्रॉफिट आउट ऑफ इट. राइटर्स भी खुश होते हैं कि यार मेरा गाना क्या बनाया है इन्होंने. एक बात हो जाती है इसमें, वो एनर्जी क्रिएट हो जाती थी अगर काम अच्छा होते रहे कंसिस्टेंटली. और म्यूजिक का काम ऐसा है कि उसको कंसिस्टेंटली अच्छा करना इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स फाइन आर्ट, इट्स क्रिएशन. यू आर मेकिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग एंड टेकिंग टू अ लेवल वेयर वर्ल्ड विल रिमेंबर इट. तो बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं उसमें, बहुत बहुत ही ऑनेस्टी चाहिए उस चीज़ में. आपको ये सोचना है कि म्यूज़िक मुझे वो बनाना है जो दिल में लगे बात. जब ये बात आ जाती है और ये ऐसा हो जाता है तो वो चीज़ हमेशा एक चल पड़ती है उसमें. अगर आप उसमें सोचें इसको मैं जल्दी कर दूँ और जल्दी निकल जाऊँ, इफ़ यू आर डिसऑनेस्ट विद इवन इन योर थाट, तो वो नहीं चलेगी. ये इतनी सेंसिटिव चीज़ होती है इस वक्त. सो दैट इज़ वाई इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब. जैसे फिल्म मेकिंग इज़ अ फुल, देर आर सो मैनी क्या बोलते हैं फैक्टर्स इन्वॉल्व विद इट. म्यूजिक इज़ अ होल सेक्शन वेर देर इज़ अ लॉट ऑफ मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व विद इट एंड मैनी थिंग्स दैट अ कंपोजर नीड्स टू नो द रेंजेस ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, नीड्स टू नो सिंगिंग, नीड्स टू नो एंड अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड देयर प्रोनंसिएशंस. लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए, ऑर्केस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकलिटीज का नॉलेज होना चाहिए. सो देयर इज अ होल डिफरेंट फैक्टर्स दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ एंड देन टेक थिंग्स फॉरवर्ड वन एट अ टाइम. तो बहुत ही क्रिएटिव काम तो है ही, मगर क्रिएटिव के साथ देयर इज अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व, जो कि इम्पॉसिबल होता है एट टाइम्स टू अंडरस्टैंड. सो दैट इज वाई यू सी कि बहुत ही फ्यू कंपोजर्स रहते हैं. वी आर अ कंट्री ऑफ मोर देन अ बिलियन, बट यहाँ तक बहुत ही कम आ पाते हैं. अब तो खैर ऐसा हो गया कि बिकॉज द टेक्निक्स चेंज हो गई है, लाइव ऑर्केस्ट्रा को यूज़ ही नहीं करता, सब घर पे कंप्यूटर में हो जाता है. तो वो जो दिल में लगने वाली बात है वो आस्ते आस्ते कम हो रही है या गायब ही हो गई है, क्योंकि आदमी सब छोड़ देता है. अच्छा यार कर ले तू उसमें एक इन्वॉल्वमेंट, उन्होंने एक अप्रोच जो सॉन्ग को देनी चाहिए, जो सोचना चाहिए, वो उसकी सोच कम हो गई है आजकल. देखिए सबसे पहले बात तो आर डी बर्मन पंचमदा के साथ हमारा बहुत ही क्लोज रिलेशन रहा है. मैं जब छोटा बच्चा था तो पंचमदा के जो गाने होते थे उसमें बच्चों के सेक्शंस में गाता था मैं, परिचय, अपना देश, यादों की बारात, कई पिक्चर हैं जिनमें मैंने गाया है. बहुत छोटा था मगर मैं गाता था उस टाइम. और फिर पंचमदा हमको तब से जानते हैं, लता जी आशा जी तब से जानते हैं हमको. तो और मैं जब टीनेजर था तब मैं रिदम सेक्शन बजाता था, बहुत अलग अलग रिदम बजा लेता हूँ मैं. उसके बाद मैंने गिटार सीखा, उसके बाद मैं पियानो बजाता हूँ. तो कई अलग अलग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मैं बजा लेता हूँ, बेस बजा लेता हूँ मैं, बेस गिटार. तो और ये सब खुद ही अडॉप्ट कर लेता था मैं कि इसको कैसे, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है. क्यूरियस था और टाइम था हाथ में, तो ये सब मैं बजाता था. और इंस्ट्रूमेंट बजाने से आपको उसके स्टाइल का बड़ा मालूम पड़ता है, आपका खुद एक स्टाइल क्रिएट होता है. आप उस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से यूज़ करना सीख जाते हो क्योंकि आप बजाते हो और उस इंस्ट्रूमेंट को समझते हो. तो ये सब एक एसेट्स मेरे में आ गई क्योंकि मैं इनको सबको बजाता हूँ. तो मेरे गाने में मैं ये सब ये बहुत यूज़ करता था. जैसे पहला नशा में पियानो पीसेस, पहला ऐसा गाना है जिसमें इतने प्रोमिनेंट पियानो पीसेस बने हैं और आए हैं, वो सब मैंने बनाए हैं और मैं बजाता था. तो और फिर गिटार्स के मेरे गाने बहुत हैं. पहला नशा में भी गिटार बहुत अच्छा यूज़ हुआ है. तो जो सब सीखा था वो आदमी को अपने आप वो स्टाइल में एक ब्लेंड होकर अगर आप कंपोज़र बन जाए, देन वो ग्रेजुअली आपको एक कैसे यूज़ करना अच्छा और कैसे डेकोरेट करना गाने को,
वो उसमें एसेट हो जाती है आपकी, वो आने लग जाता है आपको, ना कि आप असिस्टेंट पे छोड़ दें और वो करे कुछ। अगर आपका कंसेप्ट ही वैसा हो बनाने के टाइम ही गाना कि ये यहाँ ऐसे बजेगा ऐसे बने, तो फिर गाने की जो फैलावट है वो बढ़ जाती है। तो इनफैक्ट पंचम दा को नासिर साहब ने हमारा म्यूज़िक सुनाया था, जो जीता वही सिकंदर का, जब कंप्लीट हुआ था उनको घर पे बुलाया था और पूरा म्यूज़िक सुनाया उनको। तो पंचम दा को बहुत ही पसंद आया था पहला नशा, और वो सिकंदर ही दोस्त तो बहुत पसंद आया था, रूट कर हमसे बहुत पसंद आया था, वो तो उन्हीं के स्टाइल का म्यूज़िक था। जवां हो यारो बहुत पसंद आया था, जो मेरी बहन विजेता ने गाया था। तो और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस में कहा था कि मेरे बाद कोई अच्छा म्यूज़िक देंगे तो ये दो लड़के हैं जतिन ललित, ये देंगे अच्छा म्यूज़िक। तो उनका ये कहना ही बहुत बड़ी बात थी, और ये पूरा पूरी इंडस्ट्री में बात फैली थी कि पंचम दा ने बोला है कि ये बहुत अच्छे करेंगे। इनफैक्ट उनका इतना ही बोलना बहुत एक बड़ी बात हो जाती है। और हम लोग डेफिनेटली उनका जो म्यूजिकल स्टाइल है वो फॉलो करते थे, क्योंकि वो बेस्ट लगता था हमको, उनकी रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी थी। इनफैक्ट मैं उनसे पूछता था टेक्निकली भी कि आप ये कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग सेम स्टूडियो में रिकॉर्ड करते थे, तो और सेम हमारा जो ऑर्केस्ट्रा सेक्शन था उसको आरडी बर्मन सेक्शन ही कहते थे, वो जो वायलिनिस्ट थे वगैरह वो सब पंचम दा के साथ बजाते थे और हमारे साथ बजाते थे। और पंचम दा के जो असिस्टेंट थे मनोहरी और बबलू, बबलू दा, ये हमारे भी असिस्टेंट थे, इनके साथ ही हमने काम किया है। तो वो स्टाइल भी एक पंचम दा का, क्योंकि वो लोग उनके साथ अलाइंड थे, हमारे गाने अलग होते थे पंचम दा से, मगर वो एक स्टाइल ब्लेंड होके वो क्लैरिटी ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ऑर्केस्ट्रेशन थोड़ा पंचम दा के साथ डेफिनेटली जाता था। और नो वंडर पंचम दा को बहुत अच्छा लगता था वो, क्योंकि ही इज़ टू अंडरस्टैंड कि क्या कर रहे हैं ये लोग। तो हमेशा ही बहुत खुशी होती थी पंचम दा से मिलके, और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता था। और वो जब बोलते थे वो गाना बड़ा अच्छा दिया है, पंचम दा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक बार आ रहे थे और बाहर उनके साथ उनके असिस्टेंट थे मनोरी, और वो हमारा गाना बज रहा था, लवेरिया हुआ लवेरिया। तो बोले ये किसका गाना है, उन्होंने गाड़ी रोक दी, ये किसका गाना है, पूरा गाना सुनने लगे। तो मनोरी दा ने बोला ये जतिन लड़के जतिन ललित का गाना है, नए लड़के, और अच्छा गाना दिया उन्होंने तो बड़ा। तो फिर ये मनोरी दा ने हमको बोला पंचम को गाना तुम्हारा बहुत पसंद आया, लवेरिया लवेरिया बोल रहे थे, सुन रहे थे। तो सुन के बड़ा अच्छा लगता था, पंचम दा को पसंद आ गया। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो दिमाग में आते हैं पंचम दा को याद करके। एंड डेफिनेटली डेफिनेटली ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपोजर द कंट्री हैड, ही वॉज वेरी एडवेंचरस, ही वॉज वेरी अहेड ऑफ हिज टाइम, एंड नॉट ओनली डिड ही टच अस विथ हिज मेलेडीज, बट ही वर्क वर्क एंड वर्क सो मच इन हिज लाइफ ऑल थ्रू आउट। इनफैक्ट सो मेनी टाइम्स सचिन दा के जो म्यूजिक होते थे उनमें पंचम दा के गाने होते थे, ही वॉज सो हेल्पफुल टू हिज फादर। एंड आई मीन वी आर सो लक्की टू हैव यू नो बीन बॉर्न इन द सेम एरा ऑफ हियरिंग पंचम दास म्यूजिक। देखिए अवार्ड्स का ऐसा होता है कि जिनको नहीं मिलता ऐसा सुना है वो कहते हैं कि अवार्ड रिग्ड है, और जिन्हें मिल जाता है वो कहते हैं एकदम ठीक है, परफेक्ट, आई डिजर्व इट एंड आई गॉट इट। तो दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर जनरेशंस। और अवार्ड्स का इट्स ऑलवेज हैज़ बीन दैट यू नो यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, बैकअप प्लान्स होते हैं उसके, लॉबिंग, लॉबिंग इज अ वर्ड, वो बहुत होते थे उसमें। तो वो हमेशा ही होते आए हैं और होते आएंगे, तो उसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। हम लोग वी आर नॉट मेड दैट वे, हम लोग सिर्फ काम करना जानते हैं और उसी को इन्जॉय करते हैं। खाली जब ईयर एंड होता था और अवार्ड अनाउंस होते थे तो हमारा, इनफैक्ट जतिन ललित आर द मोस्ट नॉमिनेटेड कंपोजर्स, आप हमारी हर पिक्चर देखेंगे तो नॉमिनेटेड है, मगर अवार्ड्स दूसरे लोग ले जाते थे, जिनके कभी कभी गाने ही खुद के नहीं होते थे, पाकिस्तान के गाने होते थे। इनफैक्ट एट वन इंस्टेंस अ हीरोइन जेबा प्लेड द पाकिस्तानी सॉन्ग विच नदीम शर्मा हैड गॉट अवार्ड ऑन ऑन द अवार्ड नाइट एंड ऑन द डे ऑफ द अवार्ड। तो ये सब इंस्टेंसेज हुए, और पहला नशा वॉज डिप्राइव्ड ऑफ गेटिंग एन अवार्ड। तो ऑल दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ ऑल आई कैन से इज दैट यू नो आर म्यूजिक, जतिन ललित म्यूजिक हैज़ बीन अप्रिशिएटेड वर्ल्ड वाइड। वैन वी ट्रैवल समवेयर, वैन वी मीट पीपल,
इतने खुश होके लोग मिलते हैं और इतना एंजॉय किया होता है उन्होंने म्यूजिक, वो नजर आता है उनकी बातों में, तो उससे एकदम दिल को बहुत लगता है कि कमाल है कि म्यूजिक का इतना असर होता है लोगों पे। और दिलवाले दुल्हनिया को अवार्ड नहीं मिला, बट बीबीसी ने ऐसा अवार्ड दे दिया कि इट्स द बेस्ट म्यूजिकल ऑफ ऑल टाइम। उसके बाद फिर रेडियो मिर्ची एक्नॉलेज द फैक्ट एंड दे गिव अस द अवार्ड। एनीवे, बट गेटिंग द अवार्ड एट दैट टाइम हैज़ इट्स ओन चार्म कि यू नो यू आर एट अ हाई कि क्या बात है, द वर्क हैज़ बीन अप्रिशिएटेड। कुछ कुछ होता है डिडंट गेट, कभी खुशी, कभी जो बहुत ही बड़ा म्यूजिक था उसको नहीं मिला, तो चलता रहता है लाइफ में।